जीत के लिए 6 बॉल्स पर चाहिए थे 13 रन। कप्तान हार्दिक पांड्या ने चली धोनी वाली चाल। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको पूरी खबर की जानकारी इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत श्रीलंका का मैच बहुत आकर्षक चल रहा था। अब बारी थी आखिरी ओवर की, जिसमें श्रीलंका का स्कोर था 19 ओवर में 151 रन। जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 13 रन। हार्दिक पांड्या का सिर्फ एक ओवर बचा था। सबको लग रहा था कि पांड्या गेंदबाजी करेंगे, लेकिन अचानक आखिरी ओवर में पांड्या ने अक्षर पटेल को गेंद थमा दी। ये देख क्रिकेट के दिग्गज चौंक गए। उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। अक्षर पटेल की पहली गेंद वाइड निकल गई। अब 6 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। एक वक्त ऐसा लगा कि भारत ये मैच हार जाएगा। एक गेंद पर 1 रन मिला, यानी अब 5 गेंद पर जीतने के लिए 11 रन चाहिए थे। ऐसा लगा कि भारत मैच हार जाएगा। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पर तीसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर ये लगा कि अब तो भारत के हाथों से ये मैच गया, क्योंकि अक्षर पटेल की तीसरी गेंद पर करुणारत्ने ने जोरदार छक्का मारा। भारतीय दर्शकों की सांसें थम गई। अब 3 गेंदों पर जीत के लिए सिर्फ 5 रन चाहिए थे। ऐसा लगा भारत ये मैच हार जाएगा, लेकिन तभी हार्दिक ने ठीक धोनी वाला काम किया और मैच का रुख पलट दिया। हार्दिक पांड्या तुरंत अक्षर पटेल के पास गए और उन्हें समझाया कि अब 3 गेंदों पर 5 रन कैसे बचाने हैं। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं गया। पांचवी गेंद को बल्लेबाज ने खेला, 1 रन लिए। दूसरे के लिए जैसे ही वो दौड़े, तभी दीपक हुड्डा ने ऐसा थ्रो मारा कि बॉल सीधे स्टंप पर जाकर लगी और बल्लेबाज तुरंत आउट हो गए। और अब 1 गेंद पर 4 रन चाहिए थे। गेंद पर 4 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तब हार्दिक पांड्या रोहित की तरह बॉलर पर झल्लाए नहीं, बल्कि उन्हें समझाया कि ऐसी गेंद फेंकना जिससे बल्लेबाज कैच मारने को मजबूर हो, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया और सिर्फ 1 रन बना पाया, और भारत ये मैच 3 रनों से जीत गया। इससे केवल ये साबित होता है कि हर नए खिलाड़ी को मौका देना चाहिए, और दूसरी बात ये कि ऊंची दुकान फीका पकवान वाले की जगह सच्ची काबिलियत दिखाने वाले को मौका देना चाहिए, और तीसरी बात ये कि अगर भारत को हर मैच जितवाना है तो रोहित को कप्तानी नहीं बल्कि पांड्या को कप्तानी सौंपने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।